बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया गया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, 4 × 5 + 7 = 4 × (4 · 4 · ……). इस ब्लैंक को आपने कंप्लीट करना है। 4 × (missing value is 5). नेक्स्ट में देखिएगा, 4 × (missing value is 7). क्वेश्चन नंबर टू में 8 × (dash + dash) = 8 × 2 + 8 × 3 ……। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ≡ के बाद 8 × 2 + 8 × 3 है, इस लिहाज से मिसिंग वैल्यू 2 + 3 होगी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करने की कोशिश करें और इसको अच्छे तरीके से समझें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, द प्रोडक्ट इज द नंबर विद 10 टू इट्स राइट। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 121 × 10 = 0 को आप राइट साइड से राइट पर लिखते हैं, रिमेनिंग वैल्यू इज 121 × 1 × 1 = 121 0। सो आंसर इज 1210। सेम हेयर पार्ट टू, 173 × 10 = 1730। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, 0 को साइड पे कर दें, रिमेनिंग वैल्यू 173 × 1 = 173। सो आंसर इज 1730। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4035 × 100 = 0 अगर आप साइड पे ले जाएं, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, 0 as it is एंड 4 × 1 = 4। सो दिस इज फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन सॉल्व इजीली दिस एक्सरसाइज। प्लीज attempt all the question on rough page or rough copies.